चार घंटे डीप फ्रीजर में रखा, कागजों में किया पोस्टमार्टम, लेकिन फिर जिंदा हुआ व्यक्ति। सही सुना आपने, यह हैरान कर देने वाला वाक्य हुआ है राजस्थान में। राजस्थान के झुंझुनू में एक मृत व्यक्ति के जिंदा होने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद राजस्थान सरकार ने इसे गंभीर लापरवाही माना है और 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। झुंझुनू के बगड़ में रोहितास नाम के एक दिव्यांग और मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति माँ सेवा संस्थान में रह रहा था। गुरुवार की सुबह बेहोशी की हालत में उसे इलाज के लिए सरकारी बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था, जहां बीडीके अस्पताल में डॉक्टरों ने रोहितास को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद अस्पताल की मॉर्चरी में उसके शव को शिफ्ट करवा दिया गया। 2 घंटे के बाद शव का कागजों में पोस्टमार्टम कर दिया और अंतिम संस्कार के लिए संस्थान को सुपुर्द किया गया, मगर अंतिम संस्कार से पहले मृत रोहितास जिंदा हो गया। आनन फानन में रोहितास को लाया गया और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। कल जो प्रकरण हुआ था बीडीके अस्पताल में, वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवाएंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जिस होम से मरीज लाया गया था, मैंने एसजेई के डायरेक्टर को कहा है, निवेदन किया है कि वो उनकी जांच करवाएं और अगर उनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, इसमें अब तक क्या कार्रवाई है, कितने डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है और क्या आगे की जांच वो क्या चल रही है? 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है, आगे भी जांच की जा रही है। तीनों चले इसमें ठीक है मामले में, जैसे पीएमओ को उनकी लापरवाही के आधार पर किया गया है, बाकी 2 एक डॉक्टर ने मृत घोषित किया, एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया जो फौरी तौर पर किया गया, कागजी पोस्टमार्टम जिसे कह सकते हो आप, और पीएमओ ने ये सूचना जिला प्रशासन और विभाग को नहीं दी। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि 5-6 बजे जब मरीज वापस आ गए और ये खबर उनको लग गई तो ये गंभीर मामला था, इससे जिला प्रशासन को मुझे अवगत करवाना चाहिए था और अपने विभाग को भी अवगत करवाना चाहिए था। मुझे दूसरे सूत्रों से जानकारी मिली तब मैंने मेरे अधिकारी भेजे और तब इस बात का मालूमात हुआ। इस हैरतअंगेज घटना की सूचना पर सरकार ने तहसीलदार और बगड़ थानाध्यक्ष को जांच के लिए अस्पताल भेजा। जांच में पता चला कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को घुमा दिया गया था। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने इसे गंभीर लापरवाही माना और स्वास्थ्य विभाग को पूरी रिपोर्ट भेज दी, जहाँ देर शाम सरकार ने दोषी डॉक्टरों पर एक्शन ले लिया। रिपोर्ट के बाद पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। इनके नाम डॉक्टर संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत मिल हैं। कहीं बच्चा चल रहा है, कहीं नहीं नहीं वो लिखा, देखिए मूक बधिर और निराश्रित के संबंध में एक कॉमन शब्द लिख देते हैं, वो बच्चा नहीं था, बच्चा 25-26 साल का उसको बताया गया है, इसकी उम्र थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो सामान्य तौर पर जब हम निराश्रित और मूक बधिर के बारे में बोलते हैं तो बच्चा बोल दिया जाता है, इसलिए आपको शायद आदेश में ऐसा लगा होगा। एक सर लास्ट सवाल ये है कि जो माँ सेवा संस्थान है उन्होंने इतनी जल्दबाजी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया, पहले उसकी लावारिस था तो उसकी सूचना तो कम से कम उनके परिजनों तक पहुँचनी चाहिए थी। हाँ, इसीलिए मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर को अभी बगड़ भेजा है और संस्थान की भूमिका की जाँच भी हम करवा रहे हैं। लाश को लावारिस समझ के डॉक्टरों ने कागजों में पोस्टमार्टम करके पंचनामा बनाकर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस के शमशान ले जाने से पहले शव को मॉर्चरी में करीब 4 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा था। पुलिस ने शमशान ले जाने से पहले शव को मॉर्चरी में करीब 4 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा था।
अब पुलिस इस मामले में मां सेवा संस्थान की भूमिका की भी जांच कर रही है। लेकिन यह घटना वाकई हैरान करती है कि किस तरह से लापरवाही चरम पर है और लापरवाह डॉक्टरों की वजह से एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान के झुंझुनू में ये जो मामला सामने आया, इसको लेकर अब जांच बैठा दी गई है, डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सोचिए, पोस्टमार्टम कागजों में कर दिया गया, अगर असल में पोस्टमार्टम कर दिया जाता तो क्या हाल होता। ये इतनी घोर लापरवाही है, इसको लेकर अब आने वाले वक्त में क्रिमिनल केस भी दर्ज होगा। लेकिन जिस तरह से ये कांड हुआ है, उससे राजस्थान प्रशासन को शर्मसार कर दिया।